जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ए टू जेड स्पोकन क्लासेज। आज हम डे थर्ड में हम जा रहे हैं। आज हम प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कुछ वर्ड देंगे और उसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो डे थर्ड में आप ये जान देंगे, इससे पहले मैंने तीन वीडियो मैंने डाल रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसे जाकर देख लेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आपको कैसे अपने अपने कम्युनिकेशन स्कूल का इंग्लिश स्पोकन को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन। ओके, कई लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ओके, जो कि गलत उच्चारण होता है, इसका सही मीनिंग है उच्चारण। तो फर्स्ट वर्ड है आपके लिए एप्पल, ए पी पी एल ई, एप्पल। इसको करेंगे एप्पल, क्या बोलेंगे, ए प ल एप्पल। ओके, कई लोग बोलते हैं एप्पल, नहीं एप्पल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए कूपन, कूपन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए कूपन, सी ओ यू पी ओ एन, कूपन। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए रिसिप्ट। कई लोग इसको बोलते हैं रिसिप्ट, तो नहीं, इसमें आपको उच्चारण करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है, पी आपको साइलेंट रहेगा, आपका इसमें उच्चारण आएगा रिसिप्ट। ओके, रिसिट, रिशीट, मैं लिख देता हूँ, इसको क्या उच्चारण करेंगे, रिशीट। नेक्स्ट आपके बोलिए वर्ड नीस, नीस, एन आई सी एच ई, नीस। डेप्ट, डेप्ट होता है ना, जिसको उधार या फिर लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो डेप, वो नहीं, इसमें साइलेंट होगा डेट, डेट, डेट। ओके, ये सारे आपको हेल्प करेंगे आपको कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज करने। प्रोनाउंसिएशन, इसके स्पेलिंग है पी आर ओ एन यू एन सी आई ए टी आई ओ एन, प्रोनाउंसिएशन। इसको उच्चारण करेंगे प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट है वर्ड केबिन, सी ए बी आई एन, केविन। नेक्स्ट और वर्ड है आपके लिए, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए डिजर्ट, इसको बोलते हैं डिजर्ट, डी ई एस ई आर टी, डिजर्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए वॉल, बी ओ डब्ल्यू एल, इसको क्या कहेंगे, बॉल, बॉल। ओके, बॉल। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए डी ए टी ए, इसको कई लोग बोलते हैं डाटा, ये गलत होगा, इसका वो कहेंगे सही प्रोनाउंसिएशन है डेटा। ओके, डेटा, ए है फिर भी आपका एक लगेगा, डेटा। नेक्स्ट है वर्ड एम ई एम ई, इसको क्या कहेंगे, मीम, इसको कई लोग बोलते हैं मेमे, जो कि गलत है, इसको क्या कहेंगे, मीम, इसको उच्चारण आ रहा है मी का। ओके, मीम। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए डब्ल्यू ओ एम ई एन, इसको क्या कहेंगे, कई लोग बोलते हैं वोमेन, जो कि गलत है, इसको कहेंगे बीमेन, बीमेन। इसका मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, सभी चीज़ आपको पता है, सिर्फ आपको प्रोनाउंसिएशन सीखना है, इसको क्या कहेंगे, बीमेन। ओके, बीमेन। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए, आपको पता है ये सभी लोग यूज करते हैं, पी ई ओ एल पी एल ई, क्या इसका उच्चारण होगा, पीपल। ओके, ये लोग बोलते हैं पीपल, जो कि गलत है, ये आप कहेंगे इसका उच्चारण होगा पीपल। नेक्स्ट बोले आपके लिए ए एस टी एच ए एम ए, इसको क्या उच्चारण करेंगे बताएं, अश्मा, कई लोग बोलते हैं अस्थमा, नहीं, इसको क्या उच्चारण करेंगे, अश्मा, टी एच साइलेंट है। ओके, अश्मा। नेक्स्ट है वर्ड आपके लिए मोजिटो, क्या है आपका लिखा हुआ वर्ड है, एम ओ जे आई टी ओ, इसका उच्चारण क्या होगा, मोहितो, मो ही टो।
आप एक काम करेंगे, कमेंट बॉक्स में सारे का वर्ड मीनिंग आप बताएंगे, प्रोनाउंसिएशन आप प्रैक्टिस करें साथ में। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए हिप्पो, आप इसे नोट करते जाएं तो आप काफ़ी हेल्पफुल होगा। हिप्पो, HIPPO, इसका उच्चारण क्या होगा? हिप्पो। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए MUMMY, इसका क्या कहेंगे? मम्मी, मम्मी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए, कई लोग पार्टी मनाते हैं, कौन सा पार्टी? किट्टी पार्टी, तो KITTY, इसको बोलेंगे किटी पार्टी। ओके, किटी। नेक्स्ट है कंपास, इसको क्या कहेंगे? CO, इसका उच्चारण बताएं, COMPASS, क्या बोलेंगे इसको? कंपस। ओके, इसका उच्चारण है कंपस, कंपस। ओके, कंपस नहीं बोलेंगे, कंपस। कई लोग ये जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं साथ में? RESUME, उच्चारण क्या होगा इसका बताएं? रिज्यूमे, क्या होगा? रिज्यूमे बताएं, क्या उच्चारण बताएं? रिज्यूमे, फिर से लिख देता हूँ, रिज्यूमे। ओके, रिज्यूमे। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए ETC, कई लोग यूज करते हैं, एक्सेट्रा लास्ट में लगाते हैं, तो इसका सही उच्चारण क्या है? ETCCTERA, एक्ट सेक्ट्रा, इसको बोलते हैं एट सेट्रा, सेट्रा, स्पेलिंग सही आप बोलेंगे एट सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपके LINGERIE, क्या है वर्ड? इसको क्या कहेंगे? लॉन्जरी, क्या कहेंगे? लॉन्जरी। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए, तो ये सारे वर्ड्स थे आपके लिए, मैंने अभी इस वीडियो में यहीं पर रखता हूँ, ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा बन जाऊँगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा चीज़ बताऊँगा, वो सारी चीज़ प्रैक्टिस कराऊँगा जो आपको ज़रूरत है और आपको सक्सेस के लिए ज़रूरत है, आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बेहतरीन आपको ज़रूरत है। तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया है, तो आप उसे गो थ्रू कर लें और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप बता सकते हैं। और क्या, मैं आपको ये डे बाई डे सारा बताऊंगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उसे सारे A to Z आप देख लें तो आपको हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू बींग A to Z स्पोकन क्लासेस, हैव ए नाइस डे।